हेलो भैया, किसके लिए इसके बाद आगे इधर देखिए जरा पीछे, हाँ वो भैया कर डाल दें अगले धन्यवाद। हमारे बीच गुरु शिष्य परंपरा के स्वस्थ उदाहरण के रूप में हमारे प्रिंसिपल साहब, रेडियम साहब, हमारे बीच में उपस्थित स्टेट से त्रिदिवसीय कार्यक्रम हम आप देख रहे हैं, उसके नायक के रूप में हमारे प्रदेश में रहते हुए भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे महापूज्य का कार्यक्रम एक कुंज के रूप में, ज्ञान के कुंज के रूप में हमारे आपके बीच में आपने अवतरित कर दिखाया। महोदय, आपने आते ही जनपद के इसके बारे में हलचल से पैदा कर दी विकास के, और भाइयों ने बताया भी को आपने ज्यादा समझा और उसको दूर करने के लिए प्रयास किया और जनजन का सहयोग लिया। महोदय, आपने बुंदेलखंड के और विशेषता भाषा के विकास के लिए हमें क्या कुछ किसके माध्यम से मिल सकता है, आप उसको गंभीरता से जो चीजें आप विस्तार हमारे आपके बीच में आएगा बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, जनपद बाबा के विकास के लिए मील का पत्थर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साधारण जन, एक साधारण किसान हम उससे भी एक जनपद बाबा के विकास के लिए मैं आपसे दो सौ आपका और दो मिनट समय आपका और लूंगा। निश्चित रूप से अभी अभी तक का ये जो जिलाधिकारी महोदय ने यह कार्यक्रम आयोजित करा, आपके ये प्रयास का आगाज ऐसा है तो अनुदान में इसका शानदार होगा, इसको दोहरा नहीं। एक जमाने में जबकि हर लोग हर क्षेत्र में हर तरह पर लोग किसी ने किसी तरह से ये कहा नहीं कि हमें सम्मान सम्मान और लाभ भी नहीं, अलग से आप उनको त्याग करके आपने सार्वजनिक रूप में जो है स्वतंत्र रूप से आकर के काम करने का निर्णय लिया, और महोदय आपका यह निर्णय आज समाज के लिए इतने काम के लायक है कि महोदय को इच्छा की भी फुर्सत नहीं है, काम लगा रहता है आपके रूप से ये पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। हम एक बार पुनः आप जो आगे आ जाइए, सर जाएंगे नहीं हैं उनका उत्साह वर्धन करने का कष्ट करें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वहाँ विजिट करें, ये तीन दिन तक चलेगा और 30 तारीख को इसका समापन होगा और बड़ी अच्छी अच्छी प्रदर्शनियां लगे, बड़े अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भांगड़ा के जो नामचीन कलाकार हैं, मुंदेली के कलाकार हैं, उन सब का कार्यक्रम, नृत्य का, गायन का, सारे कार्यक्रम मंचों पे हो रहा है, उसका आप आनंद ले और लाभान्वित करें। लेना है
Thank you.
हमारे सामान्य शिक्षकगण और प्यारे छात्र जो इस समिट में उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। तब तक मैं इस इनोवेशन और स्टार्टअप समिट के कुछ पहलुओं पर एक नजर, और सभी जी प्लीज आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इनोवेशन या नवाचार करती है और हम अपनी सुविधा के अनुसार या उसको और सरल बनाने के उद्देश्य से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस समिट के माध्यम से एक इनोवेटर्स होंगे, हम उन्हें ऐसा बैकग्राउंड प्रोवाइड करें कि वो अगर स्टार्टअप में अपने इन्वेंशन को कन्वर्ट करना चाहें तो उनको जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा सके। इनोवेशन को कई बार हम लोग इन्वेंशन से जोड़ देते हैं या डिस्कवरी से जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम तो ये हमारा इनोवेशन हुआ, सॉरी ये हमारा इन्वेंशन हुआ। हमने उसके विभिन्न चरणों में तो जब भी हम किसी नई चीज को डेवलप करते हैं, अच्छा बताओ जैसे कोई बिल्डिंग डेवलप होती है सीधे डेवलप हो जाती है, तो इस चीज को हमको सभी हम सभी चीजों में लागू करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग वो प्रोसेस है जिससे हम किसी का टॉपिक एजुकेशनल एजुकेशनल टूल है, लेकिन मैंने अभी जो मेरी मेन टॉक है उस पे कोई भी आंसर सही है गलत नहीं होता। अगर मैं रियल बात करूं, पहले क्या कहते थे, टॉमसन ने बोला कि प्रोटॉन एक क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है। उसने तरबूज के बीज से तुलना की थी, लेकिन वो बात में क्या हुई, गलत हुई। लेकिन उस टाइम लोग उसको क्या मानते थे, तो कोई भी बात सही है गलत नहीं होती, जो बात अभी सही है वो बाद में गलत हो सकती है। आप किसे एजुकेटेड कहोगे, आपके व्यू से आपको बोलना है कोई सही गलत, मैं उसको जज करने नहीं आया। बोलो विचार एक्सपेंड नहीं हो रहे तो एजुकेशन नहीं। कहते ना बुक इज नॉलेज, ठीक है, बुक इज नॉलेज हो सकती है, लेकिन वही उसके ऊपर है वो मैं थोड़ी देर में दूंगा। तो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस, तो आपको एक प्रॉब्लम सोचते हैं जो ऐसा हो, ठीक है, तो उस मटेरियल की क्या बनाए, मिक्सचर बनाया जो रोड को बनाने में क्या आ सकता है, काम आ सकता। लेकिन जब देवास ने वो प्रोटोटाइप बनाया तो पहली बार क्या हो गया, हमारे बीच इस सभागार में उपस्थित हैं आदरणीय आमिर अंसारिया मैम, जॉइंट मजिस्ट्रेट बांदा, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैडम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, आजकल जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में बांदा में तैनात हैं। आपने इंजीनियरिंग गुवाहाटी अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से, सुछ।
आपकी जानकारी के लिए मैं मंचासीन अतिथियों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर देवान शर्मा जी जो 9th के स्टूडेंट हैं लखनऊ से आए हुए, मिस्टर शैलन मिश्रा जी जो कि CEO हैं डिजाइन कर से, डॉक्टर माया वर्मा, शिक्षा के संबंध में उनके राय पूछी गई तो उनका बड़ा है वही शिक्षा है। यह एक तरह से हमारी परंपरागत शिक्षा के ऊपर कटाक्ष था। इसका अर्थ है कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली जिसमें विषय को याद कर लेने पर अधिक ध्यान दिया जाए, मनुष्य में सृजनात्मकता का पोषण आशाजनक प्रणाली का सतत विकास हो, तो सृजनात्मकता में सहायक बहुत सी चीजें स्कूली शिक्षा के बाद भी सहज ही याद रहेंगे। विश्व के ये देश नवाचार में सबसे अग्रणी है, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड और अमेरिका। मुख्य कारण है वहां की उन्नत शिक्षा प्रणाली जो नित नए नवाचार का पोषण करती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार किसी टूल के रूप में हो सके इसके लिए उसे मेल कराया जाए। इसके लिए अन्य सेक्टर जैसे बैंकिंग, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। आज के इस तकनीकी सत्र में श्रोता समूह चूंकि छात्र वर्ग से है अतः स्वाभाविक रूप से उनका ज्ञानवर्धन होगा। अभी मैंने कुछ ही मिनट पहले सुना था कि स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, ये सब सबसे ज्यादा आविष्कार करते हैं, पर मैं नहीं मानता। आविष्कार हम भी सबसे ज्यादा करते हैं, बस हम उसको निखार नहीं पाते। निखारने के लिए बस हमें कुछ सोचना होगा, कुछ कार्य करना होगा। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी थी, थ्योरी तो हम भी दे सकते हैं, पर थ्योरी देना आसान है, उस पर वर्क करना सबसे मुश्किल है। मैं भी अपने आपको समय कुछ नहीं मानता। सबसे बड़े व्यक्ति भाई है जिसने अपने पूरे जीवन के अंत तक सब मुकाम हासिल करके अपने आप को शून्य समझता है। बहुत बड़े आर्यभट्ट जी थे, उत्तर देता हूँ कि मेरे पास इससे पहले कुछ शिक्षा नहीं थी, अब जो प्राप्त करूंगा। भारत ने काफी तरक्की करी थी, हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक, ऐसे कितने वैज्ञानिक हमारे भारत में हुए, लेकिन उस समय हमारे पास प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं था। आज हमारे पास सपोर्ट है तो कुछ करना नहीं चाहता है। इसलिए कितने बच्चे जिन्होंने आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ नया आइडिया किया होगा, पर लेकिन उसको निखार है। हमारे इतने हेल्प करने के कितने गाइडेंस है। इसके पहले तो गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी स्थिति नहीं थी, इसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी स्थिति है कि अगर आप कुछ भी इनोवेशन करते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वहीं पे मिलता है, स्थिति पे जाए। और पांडा में सिर्फ किसानों की पैसे प्रॉब्लम है, अन्य प्रकार कई ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन आप सब बच्चों में कि कैसे हम बांधा को आगे बढ़ाएं। बांधा मुख्यतः तीन स्थितियों में जगह उसके लिए खेती, तो मैंने इसी पे प्रोसेस बनाई है कि हम एक कंटेनर में जितने भी सारी सब्जियां होंगी सारी कलेक्ट करेंगे उनके किसानों से। उसमें दो प्रोसेस रहेगी, हम उन सब्जियों को पहले तो छानेंगे, छानने के उसका जो लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड फॉर्म में दो केमिकल मिलाएंगे, मेथनॉल एंड पोटेशियम हाइड्रेट। माता पिता का था, मेरे टीचर्स का था, अपने सपोर्ट के बाद में निकला, लेकिन आप सबके पास भी इतना सपोर्ट है, आप मुझसे भी ज्यादा आगे निकल सकते हैं। मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आप तो बना सकते हैं, क्या नहीं आपके पास शिक्षा है, शिक्षा के लिए शिक्षा पद्धति के लिए अच्छे टीचर है, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप चाहें तो अपने पांडव को इतना विकासशील शहर में बना सकते हैं जितना लखनऊ दिल्ली कुछ नहीं है। और पांडव तो ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडिया को हम सपोर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज यहाँ पर एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया। सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन उसमें क्या चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं, क्या कोई बता सकता है? थॉमस एल्वा एडिसन को जानता है? बच्चों की ओर से आवाज आनी चाहिए। हमने बच्चों को, छोटे बच्चों को इसीलिए कहा, जब छोटे बच्चे जो देखेंगे तो पढ़ लेंगे। इनोवेशन का सबसे पहले ही काम ये है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज,
अगर आप अपनी बातें नहीं कहेंगे और मैं अपनी बातें नहीं कहूंगा तो कैसे पता चलेगा? बल्ब की खोज की थी और ग्रामफोन आगे और ये रेल के डब्बे में कार किया था। तो ये जो थॉमस एल्वा एडिसन जिसके बल्ब के इन्वेंटर बोले जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर वो सोच ही ना होती तो आज हम यहाँ तक कैसे पहुंच पाते? तो वो था इन्वेंशन। और आज हम जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से एलईडी बल्ब तक, ये है इनोवेशन। एनआईएम का बेसिकली काम ही है पता लगाना हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। और आप वहां पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी मिली जो अपनी नॉलेज को शेयर भी नहीं करना चाह रहे थे, शायद उनको ये डर रहा होगा कि हम अगर अपनी नॉलेज शेयर कर देंगे तो हम लोग खतरे में ना आ जाएं। तो हम लोगों ने जब बहुत मतलब पता लगाने की कोशिश किया तो वो एक्चुअली हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर टाइप की है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें क्या आता है और हम क्या अपने माइंड को कैसा यूज कर सकते हैं ये हमारी नॉलेज अराउंड 2000 में एस्टैब्लिश की गई थी। अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसके जो फाउंडर हैं अनिल के गुप्ता, उन्होंने यही कई 100 किलोमीटर इनोवेटर इनोवेशन का सबसे पहला काम ये कि हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहले पहचानना। मैं ये कह इसका होल सोल मोटो यही है कि वो हनी बी नेटवर्क पे काम करता है, हनी बी फिलोसफी पे। कैसे? हनी बी जब जाती है तो नेक्टर फ्लावर से नेक्टर फाउंडेशन का काम ही ये है कि हम जब अपने जन जन तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके हनी बी से। अब दिक्कत ये होती है कि जब हमारे पास पैसे का अभाव होता है तो हम उस चीज को वैसे डेवलप नहीं कर पाते जैसे उसकी सच में पोटेंशियल नहीं निकल पाता है। तो और बात की वो नॉलेज खाली उन तक न रह जाए पाए, शिक्षा का जो नॉलेज का आदान प्रदान हो वो बना रहे और हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर पाए जो विश्व में सबसे बड़ा हो। बहुत सारे ग्रोथ में आज भी एचडीएफसी बैंक प्रोडक्ट लीडर है। तो मैं एक ऑडियो वीडियो क्लिप के द्वारा आपको बैंक के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। एशियाई तथा एटीएम्स लाखों ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाएं पहुंचाते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट को एक स्टूडेंट को समझने में कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ्यूचर लेवल पर चला जाता है बिकॉज दे हैव टू एंगेज देयर फॉर देयर चिल्ड्रन। और इस विकास की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो सेंटर पॉइंट पे मन है जो दिमाग है वो काम करता है और उसके चारों तरफ सोशल एनवायरनमेंट है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, इंक्लूड करता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या एजुकेशन है, क्या गाइडेंस है, हम क्या चीज है, इस और आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। हम सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग किताबें देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें प्रिंट होती हैं, समाज क्या है, फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन जो लोग जो डिग्री जो स्कूल में जाकर के पढ़े डिग्री चेयरपर्सन एसडीएम सदन बोलिया चीफ इनोवेटर श्री देवान शर्मा एनआईएफ अहमदाबाद से हमारे बीच स्वप्न दस्त हो गई निधि ब्यास सर हमारे इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हुई हैं कि इस समिट से जो कुछ हमें सीखेंगे उसको ले जाकर के व्यवहार में उसका अनुप्रयोग करना है ताकि आज अगर हम उन दिनों की बात सोचते हैं जब आपका आविष्कार नहीं हुआ था
लोहे कहने का मतलब है कि नए नए विचार, नए नए आइडियाज उस समय लोगों के मन में आए, उन्होंने नया काम किया। और मैंने जयपुर गई थी, आप सभी को पता है स्कूल्स में, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉक्सी टीचर्स। प्रॉब्लम यूपी में भी है, यूपी में काफी ज्यादा है। क्या है प्रॉक्सी टीचर्स? वो यहाँ मुख्यालय में वो रहेंगे और जहाँ रिमोट विलेज है वहां किसी और आदमी को लगाएंगे। शी मस्ट बी और ही मस्ट बी 12th स्टैंडर्ड पास्ट और 10th स्टैंडर्ड। जो बच्चे को सिखाने का कैपेसिटी नहीं है उन्हीं लोग को पढ़ाने में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे होगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉक्सी टीचर्स। इसको सॉल्व करने के लिए जयपुर में उसी गवर्नमेंट वेरी सिंपल सॉल्यूशन, वो क्या था, इन्होंने स्कूल में ये फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया। उसमें उसी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनका फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, इसी फ्लेक्सी को वो पूरा विलेज में एडवर्टाइज कर दिया ताकि सारे किसी और आदमी आके टीचर के रूप में काम करेंगे तो पीपल विल कैच हिम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये इनोवेटिव आइडिया है, यही इनोवेशन है। प्रॉब्लम यही है कि सारे स्टूडेंट्स उनको तो इस तरह का कोर्स किया जाता है सिर्फ याद करते हैं, उसको बिना समझ के ऐसे याद करते हैं और जब एग्जाम आएगा उसमें जाके उसको ऐसे लिख देते हैं। जो अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे वो क्या करते हैं, नकल करने का कोशिश करते हैं। यही प्रॉब्लम भी यूपी में है टिल लास्ट ईयर, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी फिलहाल तो वो प्रॉब्लम 90% तो खत्म हो गई, बट प्रीवियसली इट वाज देयर। इसका मेन क्या रीजन है, क्यों बच्चे इस तरह का नकल करने का कोशिश करते हैं, क्यों याद करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जो टीचर स्कूल में उनको पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से जिस तरह स्टूडेंट को समझ में आएगा उसी तरह इनको दे आर नॉट टीचिंग देम। सो इससे क्या होता है, इस तरह का विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो भी करते हैं उसके बाद स्कूल भी ऐसे इंजीनियरिंग हो और समर डिग्री हो वहां जाके ऐसे मगअप करके एग्जाम देके वो डिग्री भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन उनको क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है लेकिन उसमें मैकेनिकल स्टूडेंट को नहीं पता है कैसे वो रिपेयर करना है, इंजीनियरिंग वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये नहीं पता है छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तमिलनाडु में, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, वहां मैंने बच्चों कैसे सीखेंगे पूरा अपना खुद एक्टिविटी करके उससे वो सिखाएंगे स्टूडेंट के माध्यम से बच्चे को, दे आर टीचिंग देम, इससे इनका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है। जैसे इन्होंने बताया शैलेंद्र मोटर्स के बारे में वो एक्टिविटेशन सेक्टर में, तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल ड्रॉपआउट्स। किसी तरह का हम लोग स्कूल में उसी टाइम ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल से वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये भी समस्या यूपी में है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसमें क्या है, जो भी को कैसे टीच कर सकते हैं। यहाँ एक विलेज है गुरेड, वहाँ प्राइमरी स्कूल टीचर है, शी इज टीचिंग। सो यही इनोवेशन है, इस तरह का इनोवेटिव आइडिया। तो ये नाम सुन के हम लोग सोचते हैं इनोवेशन इज समथिंग वो अलग है, ये डिफरेंट है, इस तरह का कुछ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स को कुछ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अगर हम लोग वो करेंगे तो इनोवेटिव
सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। सो मैं आप सभी से ये अनुरोध है, आप भी इस तरह का there are two ways of thinking। ये तो ट्रेडिशनल थिंकिंग, जैसे यूजुअली ज्यादातर लोग किसे ट्रेडिशनल थिंकिंग, आप थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो दैट इज इनोवेशन। उस तरह का हम भी सोचना है, वो ज्यादा सेफ है। आप यहाँ देखिए, नाइन स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, उसमें अरे ने मेहनत किया, इसके लिए उनका पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इनको मिला है, इसी तरह का कंड्यूसिव इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट यहाँ बांदा में इनोवेशन सेल बना दिया है। यहाँ बांदा में देर आर 8 ब्लॉक्स, देर विल बी मीटिंग एंड दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स, इनोवेटिव मेथड्स के बारे में। एंड आई होप सो दिस समिट, अबाउट दिस समिट वी विल बी गेटिंग इवन मोर इनोवेटिव मेथड्स दैट आर बीइंग इनोवेटेड। या बेटी होते दिमाग से नीचे नहीं कर सकते तो समझते कुछ नहीं कर सकते, तो या फिर घर से कोई प्रॉब्लम मिल गई कि घर को देखना है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ग्रेजुएशन के बाद अगर हम छोड़े तो क्या उसी ड्रॉप आउट में आएगा? एमए के बाद पढ़ाई छोड़े तो क्या वो भी ड्रॉप आउट में आएगा? अपने विद्यालय में जाकर के बच्चों से पूछे, बच्चों से अच्छा कोई नहीं होगा। बड़े लोग ग्रोनअप्स बुजुर्ग लोग एक मर्तबे को ही खिंचाए बात कह देते हैं तो वो फलनवा जो है कि हमारा सब कहना था होगा और ये सुना नहीं जाता, तो बीच में छोड़ बीच को छोड़ते हैं पढ़ते जान कर लेकिन ना अपने गली कोचो में अपने मोहल्ले में कोई भी ऐसा करके 18 वर्ष तक का कोई लड़का हो और बीच में पढ़ाई उसने छोड़ दिया है या कभी स्कूल गया ही नहीं है, यही है जो ड्रॉप आउट कर गए हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मोहल्ले में कोई भी बच्चा अच्छा से लेकर ये सुविधा हो नया ट्रांजिशन अभी हाल ही में आया है कि ड्रॉप आउट में उनको भी शामिल किया गया है, जो बच्चे लगातार 1.5 महीने तक कर रहे हैं उनको भी ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर लिबरली अगर देखा जाए तो ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर हमें कैलकुलेशन किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं या तमाम ऐसे जनरली प्रसिद्ध विद्यालयों में दिल्ली बम्बई या बड़े शहरों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं तो वो सामान्यतः क्या करते हैं कि बच्चों का एडमिशन तो करा लेते हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले करके अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं अपना जहां काम करते हैं, तो वे भी ड्रॉप आउट की श्रेणी में आए। तो ऐसे लोग कितने होंगे मेरे ख्याल से आपको सब जानते होंगे, सब लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं और हर गांव से लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर के बाबगढ़ जो है तो काम करते हैं अपना जीव उपार्जन करते हैं, तो वैसी संख्या में का बहुत ज्यादा लड़कियां जो है तो उन लोग गांव के और जो गरीब परिवार का अभिभावक हैं ये रिसर्च से जो कि स्टेम चल चुकी है, मेनी ऑफ द फार्मर मेनी हमारे एरियाज में है जो सोसाइटी लेते ही भी सब्जियां सड़ जाती हैं, लेकिन उस सब्जियों को सड़ने के बाद भी हम यूज कर सकते हैं, तो उस यूज फॉर्म के लिए मैंने उनसे 2-3 फार्मर से कलेक्ट करी उन सब्जियों को, उसके बाद मैंने उसको पूरे बेड पेस में कन्वर्ट किया, बेड पेस में कन्वर्ट करने के बाद उसको 50 माइक्रोन फिल्टर से प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करने के बाद उसके प्री फैटी एसिड सड़ गए, सेकेंडली मैंने उसमें 2 केमिकल्स यूज किए मेथनॉल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी थी 0.03 ग्राम्स और मेथनॉल की थी 0.2 मिलीलीटर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने अगले टैंक में इनको मिक्स किया, मिक्सचर 120 डिग्री पे रोटेट किया और उसके बाद मैंने रख दिया। इसकी कुछ या 2 आवर्स के बाद मुझे मेरा डीजल पंप मिला जिसके ऊपर की लेयर डीजल थी और नीचे की लेयर ग्लिसरीन थी, ग्लिसरीन को हम बहुत सारी मेडिसिंस में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और डीजल हमारी सेंस में यूज हो सकती है। इसको जो परंपरागत हमारा डीजल है इससे रिप्लेस करते हैं,
तो लॉन्ग टर्म में क्या एनजीओ की प्रॉपर्टी होगी क्या उसके ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई है? सर बेसिकली मैंने इसकी लैंड टेस्टिंग करा दी है सर, डीसीओ के डिपार्टमेंट से, और सेकेंडली ये सेम एवरेज है, नो इंजन प्रॉब्लम है, और साथ में पॉल्यूशन फ्री है बेसिकली। ये एक आम डीजल जितना 100% पॉल्यूशन देता है उसका 80% माइनस करके सिर्फ 20% पॉल्यूशन देता है, तो एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। और बेसिकली मेरा पर्पस ये था, जो फार्मर जिनकी सब्जियां सड़ जा रही हैं तो उनको अगर कुछ भी इसे, अगर हम लोग उनसे कचरा दे रहे हैं, कुछ उनको पैसा दे रहे हैं, तो उनका बेनिफिट होगा, दे आर नॉट डूइंग अ सोसाइटी। प्रोडक्शन ऑफ डीजल जो लोअर लेयर होगी उसके डिस्पोजल का भी कोई तरीका है? उसका जो टाइम उसमें जब डीजल बनने की प्रोसेस है हम उसको मिक्स रिसाइक्लिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं, फिर से एक बार रिफाइन कर सकते हैं, फिर से एक बार टैंक के डीजल बना सकते हैं। कैसे आया कि इसमें आपको यही रिजल्ट मिलाने हैं, यही केमिकल प्रोडक्ट मिलाने हैं तभी ये डीजल बन जाएगा? बेसिकली मैं इसको 2017 से ट्राई कर रहा था, बट आई टू बार फेल हो चुका हूं। मेरी टीचर्स ने भी डांटा कि हमारे केमिकल कोई सोशल नहीं है, लेकिन हम लास्ट बार ट्राई करते थे, फाउंड अ गुड चांस, मेरी लास्ट बार में पूरा डीजल बन गया। मैम बेसिकली मैंने क्या है, जो और सभी सब्जियों में सकते जो नहीं था मैंने एक्सैक्टली वो ऐड कर दिया। मैंने इसके बारे में सुना है, ये जो कचरे के होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए उनको गाइड करती है। नहीं नहीं, एआई होती क्या है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, किसी ने आकर रखा जी। मैंने मोबाइल के लिए सुना था, कैमरे में जो यूज होता है कैसे होता है सर? ये शायद ब्यूटिफिकेशन को और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एक यूज बता दिया आपको मशीन के द्वारा। आप बताओ, हाँ बिल्कुल बताओ, बताओ भेष को पहचानता है। आप यूजेस बता रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस वो अपन के मतलब देखते हैं कि अपन कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कौन सा एप्स खोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, यही यही स्कूल सिस्टम में खराबी है हमारे इंडिया की। इस बार से यही मीनिंग करती है, मीनिंग करती है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, कोशिश करो। ठीक है, मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और सर जो अभी हम जैसे कंप्यूटर से कोई वर्क करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन है जो खुद से खुद को काम देती है। अच्छा, आपने मतलब हमें क्या करना है न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन्स हमें गाइड करने करते हैं, जैसे आपको मैंने बोला 2+3 क्या होता है। ठीक है, आपको बोल दिया मैंने 2+3। ठीक है, आपके टीचर्स ने अभी तक नहीं सिखाया तो आपके न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, लाइंस के उसमें 3 लाइंस और ऐड कर क्या बनेगा 5। तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे उस प्रोग्राम के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उसी चीज को जब हम मशीन फॉर्म में बदल देते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके थ्रू तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप जो चीज है साइंस के कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर सकते हो। अगली काम में डॉक्टर मुक्ता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही खुशी का क्षण है इस अवार्ड को शेयर करते हुए। डॉक्टर ए के चौधरी सर को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे वक्ता शैलेंद्र मिश्रा जी को मोमेंटो प्रदान करने का निर्देश करें। डॉक्टर ए के चौधरी, इसी क्रम में मैं हमारे बीच उपस्थित हैं हमारा सेशन अपनी समाप्ति की ओर है। अगली श्रृंखला के रूप में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। इस कार्य हेतु मैं डॉक्टर मुक्ता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारी जो शिक्षा की थीम थी, हमारी जो इसका प्रोग्राम की थीम थी एजुकेशन एंड एजुकेशनल टूल्स का, ये फर्स्ट सेशन समापन की ओर है। बहुत ही आगे पढ़ाने का और सकारात्मक
कार्यक्रम समापन है। तो हमें ये निष्कर्ष निकल के आया और मेन उद्देश्य स्टार्टअप इनोवेटिव समिट का ये है कि हम ये जो वर्कशॉप या सेमिनार ऑर्गेनाइज कर